राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों गुरु है, तो गुरुवार को रिलीज है, तो गुरु का वार जो है सालार झेलेगा क्या? लेकिन सालार भी जीत पे कह रहा है, झुकेगा नहीं सालार। मूवी बहुत औसम है, बहुत औसम है। इट्स प्योर ऑफ इमोशन, प्योर ऑफ गुड एक्टिंग अमंग्स ऑल दी लाइक जितने भी कैरेक्टर्स है सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सीन एक्चुअली इसमें जितने भी इमोशनल सीन है एक्चुअली वो काफ़ी अच्छे हैं, जो लेकिन जो फाइनल सीन था, लास्ट सीन था, वो काफ़ी इमोशनल लगा, जब तापसी पन्नू मैम लाइक एक्चुअली उनकी जब डेथ हो जाती है तब का एक्चुअली वो काफ़ी मोमेंट अच्छा था। गानी एक्चुअली एनर्जी वाइज देखोगे तो लुटपुट गया में काफ़ी एनर्जी है, एंड बाकी जितने बाकी सॉन्ग से सारे के सारे इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। भैया 21 तारीख को आई है तो इस पूरी टीम को मेरी तरफ से एक किस, मतलब राजकुमार और बादशाह की फिल्म है, राजकुमार हिरानी और किंग खान बादशाह की फिल्म है, राजा महाराजों की फिल्म है, एक बड़ा ही ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीट है, एक क्रिसमस का तोहफा है, और साथ में इस फिल्म को आप परिवार के साथ देख सकते हैं। बड़ी साफ़ सुथरी फिल्म है, वैसी फिल्म नहीं जो पिछली बार आई थी जिन्होंने पब्लिक के साथ में फिल्म देखने लायक नहीं थी, लेकिन ये फिल्म जो है डंकी जो है इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि बहुत सालों के बाद एक फिल्म आई है डंकी जिसका नाम है डंकी, इस फिल्म को देखो, ये रिक्वेस्ट कर रहा सुनील पाल मंकी, और जो नहीं देखेगा वो है हाँ 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 हाँ। दिल की फिल्म है, दिल को छूती है, बट कमर्शियल फिल्म नहीं है, मसाला फिल्म नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल फिल्म है, वैसी फिल्म नहीं है जो पिछली बार आई थी फिल्म, एक वल्गर और एक फिल्म आई थी पिछली बार जो वल्गर और बहुत थी, और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद दिल से दिल का कनेक्शन देखने मिलता है। फिल्म का नाम इंडिया टू लंदन भी होता तो चल जाता। पठान और जवान तो एक्शन फिल्म थी, ये रोमांटिक फिल्म है, तभी तो 21 तारीख को रिलीज हुई, और दोनों हीरो राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान दोनों गुरु है, तो गुरुवार को रिलीज हुई, तो गुरु का वार जो है सालार झेलेगा क्या? लेकिन सालार भी जीत पे कह रहा है, झुकेगा नहीं सालार। और मूवी मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, बहुत ही इंजॉयबल लगी, और शाहरुख खान और तापसी पन्नू के बहुत अच्छे रोल्स हैं, विक्की कौशल का बहुत अच्छा रोल है फर्स्ट हाफ में, और मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, मुरलीधरन, पंकज, मनुष्य नंदन, और मूवी में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स हैं, बहुत ही टचिंग मोमेंट्स हैं, तो म्यूज़िक बहुत अच्छा है प्रीतम का, तो इट्स अ मस्ट वॉच। आई थिंक द बेस्ट सीन वॉज वेन सब पूरा चीज़ हाईलाइट कर रहे थे उस सोनू निगम के सॉन्ग में, वेन शी रिटर्न्स बैक एंड देन शी लाइक रिमेंबर्स ऑल हर पास्ट डेज, तो वो सीन काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी टची था। लुटपुट गया वॉज वेरी गुड, लुटपुट गया वॉज आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिट सॉन्ग्स। मूवी अच्छी थी, फर्स्ट हाफ थोड़ा मतलब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा ऐसा बोर लग रहा था, लेकिन फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के लिए बिल्ड हो रहा था, सेटअप हो रहा था, तो सेटअप करने में निकल गया। सेकेंड हाफ वॉज फार बेटर, 10 times बेटर था, क्योंकि उसने इमोशनल मोमेंट्स अच्छे थे और थोड़े बहुत मतलब मज़ेदार मोमेंट भी थे। बाकी फर्स्ट हाफ में विक्की कौशल वॉज द सोल ऑफ द मूवी, मतलब उसका जो काम था बहुत मज़ा आया, मतलब देखने ऐसा लग रहा था सेकेंड हाफ में भी होना चाहिए था विक्की कौशल का, और शाहरुख खान का परफॉर्मेंस अच्छा था, तापसी का काम अच्छा था, तापसी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और सॉन्ग्स भी मतलब सिचुएशनल थे, लेकिन वो जो टिपिकल हिरानी है ना वो लेवल थोड़ा मिसिंग था, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया है ना, 3 Idiots है, पीके है, मुन्ना भाई है, संजू है, वो लेवल पे मतलब नहीं थी, मतलब वो लेवल वहाँ है तो ये यहाँ था, तो मतलब मूवी मतलब वन टाइम देख सकते, फैमिली के साथ मज़ा आएगा, मतलब ऐसा अनबेरेबल नहीं है, मज़ा आएगा।